संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली श्लोक 10 से 15 झारखंड प्रवक्ता के लिए। इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेरात्मा महान परः। इंद्रियों से उनके शब्द रूप रस आदि विषय सूक्ष्म या श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन सूक्ष्म या श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि सूक्ष्म या श्रेष्ठ है, और बुद्धि से महान आत्मा अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्ष्म या श्रेष्ठ है। महत परमम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। हिरण्यगर्भ से अव्यक्त सूक्ष्म या श्रेष्ठ है, और अव्यक्त से पुरुष सूक्ष्म या श्रेष्ठ है, पुरुष से सूक्ष्म या श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वही सूक्ष्मता की चरम सीमा है, वही अंतिम गति गंतव्य है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। सभी प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता, अपितु सूक्ष्मदर्शी विद्वानों द्वारा कुशाग्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। यच्छेद्वाङ् मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेज्ञानात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि। विवेकी पुरुष वाकादि इंद्रियों का मन में उपसंहार करें, उसको प्रकाशस्वरूप बुद्धि में नियंत्रित या लीन करें, बुद्धि को सब ओर से रोक कर हिरण्यगर्भ में लगाएं, और हिरण्यगर्भ को शांत निर्विशेष निष्कल ब्रह्म में लीन करें। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारान्निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। तत्वज्ञानी लोग छुरे की तेज की गई दुस्तर धार की तरह उस ज्ञान मार्ग को दुर्गम बतलाते हैं। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसन्नेत्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महत परं ध्रुवं निचाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध से रहित अर्थात अछूता है, अव्यय अर्थात अविनाशी तथा नित्य है, अनादि तथा अनंत है,
महत अर्थात बुद्धि तत्व से भी पर और ध्रुव अर्थात कूटस्थ यानी निश्चल है। उस आत्म तत्व को जानकर साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता है। नमः संस्कृताय।